नमस्कार, एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को जिसको लॉन्च किया गया था, उसकी तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे केंद्रीय विद्यालय जितने भी अक्रॉस कंट्री जितने भी हैं, 1250 केंद्रीय विद्यालयों में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी बच्चों और पेरेंट्स में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके पब्लिक में भी अवेयरनेस फैलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। सिलेबस में अभी कोई चेंजेस बहुत सब्सटेंशियल और अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत टेक्स्ट बुक्स जो हैं हमारी वो क्लास 1 और 2 में कुछ चेंजेस उसमें किए गए हैं और अभी पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपीज उनकी अवेलेबल हैं और वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्तरों पर खेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में अपने इनहाउस कॉम्पिटिशन्स होकर क्लस्टर लेवल पर कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं। हर क्लस्टर में करीब 10 से 11 केंद्रीय विद्यालय होते हैं। क्लस्टर लेवल के जो विनर्स होते हैं वो रीजनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं और रीजनल लेवल के जो विनर्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो विनर्स होते हैं वो एज ए स्टेट KVS जो है एक राज्य की तरह SGFI में भाग लेता है। जी, केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग में कुल 68 विद्यालय हैं, जिसमें 33 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हैं, बाकी तहसील लेवल पर हैं। और बच्चा है वो 10 बैगलेस डेज, 10 दिन है वो बच्चा बिना बैग के आएगा और वहाँ पे कुछ स्किल्स सीखेगा, तो जिसमें से हम लोग कुछ आर्ट जो पीछे भूल चुके हैं, पोटरी, कारपेंटरी, ये सारी चीज़ें हैं हम बच्चे को स्कूल में सिखाएंगे। तो एक तरह से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक से हटकर कुछ हैंड होल्डिंग सपोर्ट और कुछ आर्ट और क्राफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें बच्चा है वो स्किल के साथ साथ है वो पढ़ाई कर रहा है। ये आइडिया किसका आया जी? ये आइडिया किसका आया? ये MEP में है, MEP का विजन है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रधानमंत्री हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कोशिश करते हैं बच्चा पूरा कंप्लीट होकर बाहर जाए। जी, लर्निंग एंड स्किलिंग इंडिया अभी नया फोटो दिया है प्रधानमंत्री जी, उसमें कोई ना कोई स्किल बच्चा हम शिक्षा के साथ साथ उसे तैयार कर रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए, ताकि वो ग्लोबल सिटीजन के साथ साथ जो डिमांड है आज के युग में वो अभी वो सीख जाए। और पहले जो शिक्षा का पहले फोकस रहता था रोट लर्निंग, अब हमारा शिक्षा का फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि सोच के साथ वो बच्चा कोई चीज़ याद करे और जो लर्न करता है रोट लर्निंग के अलावा वो स्टडी कर केवल करता था, अब वो उसको लर्न करे ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर सके भविष्य में, उस शिक्षा को उपयोग में ला सके। नई शिक्षा नीति बहुत बदलाव कर रही है और यह सब जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इस नीति के बारे में अवेयरनेस आए, आप लोग भी बताएं, ताकि बच्चा जो शिक्षा को केवल मात्र अक्षर ज्ञान का सेंटर ना समझे, उसे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास केंद्र। हाँ, डंडे वाली बुलाई